हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लासेस जो है, आप लोगों को स्टूडियो टूर देखना था। बहुत सारे लोगों का एक रिक्वेस्ट आ रहा था बहुत दिनों से कि सर, जो आपने नया स्टूडियो बनाया है वो तो आप हमें दिखाए ही नहीं। तो वो स्टूडियो जो है आप लोगों को आज हम दिखाएंगे कि एक्चुअल में स्टूडियो में हमने क्या क्या लगाया है और क्या क्या जो है एक प्रॉपर स्टूडियो के लिए जो है आपको चाहिए, तो वो जो है आपको दिखाएंगे। और आपको ये भी हमने बताएंगे कि ये नया स्टूडियो जो है, हम लोगों के जो पुराना स्टूडियो था, आप जाकर जो है मेरा पहला वीडियो जाकर आप देखिए का था। उसमें जो है एगो मड़ई था, मड़ई में जो है 3/4 का एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था और उसमें जो है ऊपर से एक बल्ब टंगा हुआ था, LED बल्ब 9 वाट का, और उस पे जो है बोर्ड पे फोकस भी पड़ता था और उसी से हम लोग वीडियो बनाते थे। एक छोटा सा ट्राइपोड होता था उस समय, अभी भी है, और ऐसे जो है ये 2-3 ट्राइपोड टूट चुके हैं एक्चुअल में, आप देखेंगे तो। तो आप लोगों को दिखाते हैं नया स्टूडियो में जो है हम लोगों ने क्या और कैसे लगाया है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको नया स्टूडियो। सब आप देखेंगे तो ये जो है एंट्री गेट है, ठीक है। इसको जब क्लास लिया जाता है तो एक्चुअल में इसको जो है बंद कर दिया जाता है। अब जो है जैसे ही यहाँ से आप एंट्री ऐसे करते हैं तो आपको इसी दीवार पे जो है मिलेगा डिजिटल बोर्ड, जो अभी जो है कवर किया हुआ है। कवर इसलिए किया गया है कि उस पर धूल कण जो है ना पड़े। और उसके बाद जो है ये स्पेसेस हैं जहाँ से खड़ा होके जो है हम आपको पढ़ाते हैं। और ये जो है एक टेबल्स है जिसपे जो है बुक्स रखे होते हैं, जब आपको पढ़ाना होता है तो उससे पहले जो है खुद हमें पढ़ना होता है। ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा बोया का एक माइक है, जो आपके पास अगर होना चाहिए, अगर कोई स्टूडियो बनाना चाहता है तो उसके पास ये एक माइक होना चाहिए। और ये जो है एक ट्राइपोड होना चाहिए। ट्राइपोड जो है, ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में जो है एक बड़ा सा ट्राइपोड खरीदें। इस ट्राइपोड का अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग 1500 रुपये के आसपास में ये ट्राइपोड आता है। तो अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो वो जो छोटा वाला ट्राइपोड देख रहे हैं ना, उससे आप शुरुआत करें, वो जो है बेहतर ट्राइपोड है। और जब आपका चैनल ग्रो हो जाए तब जो है आप बेटर ट्राइपोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिजिटल बोर्ड से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे जो है इसका बोर्ड है, जहाँ से जो है इसका कनेक्शन है, मेन कनेक्शन जो है यहाँ से है। और इसी के बगल में जो आप देखेंगे यहाँ पे जो है एक सिस्टम लगाया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा हेवी सिस्टम है, जो आपके लाइव क्लास को जो है कवर करता है एक्चुअल में। इसका आगे से अगर हम आपको फेस दिखाएं, और वो जो है एक वर्ल्ड का मैप है, एक बिहार का मैप है, और वहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन का जो है एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल लाइन है, इफ़ यू वांट टू लाइव ए हैप्पी लाइफ टाई इट टू अ गोल नॉट टू पीपल और थिंग। कहने का मतलब है कि अगर आप जो है अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो लोगों के बातों को जो है सुनना, सोचना, ये सब छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका सिस्टम है, और ये सिस्टम हमने बताया ना काफ़ी हेवी है, जैसे कि गेमिंग सिस्टम के तरह है। गेमिंग एक्चुअल में इसका प्राइस हम आपको बताएं, आपको शौक लगेगा कि ये सिर्फ सिस्टम जो है 1 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। और बाकी जो है एक सिस्टम के लिए टेबल है, उसके बाद ये चेयर है, उसके बाद हमने एक नया चेयर खरीदा जो बहुत अच्छा हमें लगा, इसीलिए जो है इस चेयर को हमने खरीदा कि बैठे में जो है अच्छा लगे, बॉस की तरह फील आना चाहिए। वो जो आप पीछे देखेंगे ना, तो वो जो है एक ब्लैक पर्दा लगाया गया है। अब पूछेंगे सर ये क्यों लगाया गया है, ये ब्लैक पर्दा जो है इस बोर्ड पे रिफ्लेक्शन ना पड़े उसके लिए लगाया गया है ये ब्लैक पर्दा। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो छत में जो है एक फैन लगाया गया है, और वो उतने सारे जो है मरकरी लगाए गए हैं, वो जो है ऊपर की तरफ लगाए गए हैं जिससे बोर्ड पे जो है रिफ्लेक्शन ना पड़े। आप नीचे देखेंगे तो नीचे एक जो है मरकरी लगा हुआ है। और आपको दिखाएं तो अगर आप जो है देखे होंगे वाईफाई देखे होंगे सर, ये आपको क्लास के लिए जो है ये वाईफाई भी जो है ज़रूरी है, जो हमने एयरटेल का वाईफाई लगाया है, जो काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों के लाइव क्लास में जो है मदद करता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो जो है बिजली होती है। अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं अचानक बिजली कट जाती है तो उसमें जो है ये बोर्ड जो है हैंग भी हो सकता है, इसीलिए आपके पास इन्वर्टर होना चाहिए, ठीक है। ये भी जो है हम लोगों के पास। और आपको हम बताएं
तो स्टूडियो के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चाहिए? अगर पूरा आप इस स्टूडियो का व्यू एक बार में देखते हैं, सामने डिजिटल बोर्ड, उसके सामने ट्राइपोड जो है, और ये बगल में जो है सिस्टम लगा है, और ये सब जो ये मेन इक्विपमेंट है, मतलब जो है एक डिजिटल स्टूडियो के लिए जो है ये डिजिटल बोर्ड एंड माइक एंड ट्राइपोड, और ये जो है ना ये सिस्टम चाहिए। तो अब आप जो है डिजिटल स्टूडियो को जो है बहुत अच्छी तरीका से देख लिए होंगे। अब आप पूछ रहे होंगे सर कि अगर हम एक डिजिटल स्टूडियो बनाएं तो एक्चुअल में उस डिजिटल स्टूडियो को बनाने में कितना पैसा लगेगा सर? तो डिजिटल स्टूडियो को अगर बनाने में हम बात करें सर, तो वो जो आप बोर्ड देख रहे थे ना, डिजिटल बोर्ड, उसका प्राइस जो है 160 यानी 1,60,000 रुपये है। अगर हमारी ये सिस्टम की बात करें जिसने हमें आपको बताया, 1,00,000 रुपये का हमने सिर्फ सिस्टम बनाया हुआ है, 2,60,000 रुपये हो गए। अगर आप कैमरा की बात करें तो कैमरा मेरे पास नहीं है, बट एक फोन है जिसका प्राइस जो है 30,000 है, मीन्स 30,000 रुपये। तो अगर आप जोड़ें तो 2,90,000 रुपये हो गए। ट्राइपोड और माइक का अगर ले लिया जाए तो 2,000-2,500 के आसपास में हो जाएंगे, और लाइट ले लिया जाए तो लगभग 10,000। यानी कि 3,00,000 रुपये जो है अभी तक किसी स्टूडियो में हमने लगाया है, ठीक है? डिजिटल बूट, ये सिस्टम एंड लाइट, कैमरा, हई हो फलना ढेकना में 3,00,000 रुपये जो है बढ़िया से लग गया है। अभी इसमें एक और चीज हम लगाएंगे जिसका नाम है कैमरा। उस कैमरा का प्राइस हमने मार्केट में मालूम किया, 1,00,000 रुपीज का जो है वो कैमरा है, बहुत जल्दी जो है वो लगने वाला है, चिंता मत कीजिए। और इसमें एक और काम है जो हमें बहुत दिनों से करना था, अभी भी आप देख रहे हैं पसीना आ रहा है, गर्मी है, और आप अपने वीडियोस में भी देखे होंगे पंखा चलने का आवाज़ आता है, इस पंखे को जो है हम लोग हटाएंगे और यहीं पे एसी लगाएंगे बहुत जल्दी जो है, लेकिन ठंडा आ रहा है इसी कारण जो है अभी इसमें नहीं लगाया जा रहा है, बट लगेगा जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग रहा वैसे वैसे जो है इसमें लगेगा। बाकी जो है आप वीडियो देखे हैं, आपको स्टूडियो जो है कैसा लगा है इस स्टूडियो के बारे में आप बताइए, और स्टूडियो देखे हैं और बताइए स्टूडियो जो है आपको कैसा लगा है, वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।